समय देशना से हम सभी कृतार्थ करें। पूज्य मुनि श्री 161 विनम्र सागर महर्जी नमोस्तु भगवन। आदिं तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ आदि व्याधि अघ मद मिटे तव पद में मम्मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जहाज भव दधि तट तक ले चलो करुणा कर जिनराज। बोलिए आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ भगवान की। परम पूज्य श्रमण सूर्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की। परम पूज्य मुनिराज श्री सौम्य सागर जी महाराज की। मंचासीन समस्त मुनिराजों की जय। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री 161 विनम्र सागर जी महाराज जी की नमोस्तु भगवन। आज एक और पाप और पुण्य की ऐसी अमर कहानी को लेकर के हम यहाँ पर आए हैं कि आपको भी सुनकर के आनंद आएगा। ये तो पता है कि आज सप्तमी है और कल क्या है? कल अष्टमी नहीं है बंधुओं, कल जन्माष्टमी है, कल कृष्ण जन्माष्टमी है। और किसी भी त्यौहार को मनाने से पहले अगर हमको उसके बारे में थोड़ी सी भी जानकारी मिल जाती है तो उस त्यौहार को मनाने का, उसमें जीने का हमारा आनंद सदगुणा हो जाता है। कोई पहले से बता दे इसकी ऐसी कीमत है तो फिर उस वस्तु जब हाथ में आती है तो उस दिन की महत्ता हमारे हृदय में कुछ विशेष स्थान रखती है। ऐसे कल बंधुओं कृष्ण जन्माष्टमी है, तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान के समय की जो घटना है, उनका चचेरा भाई कृष्ण जिसका कल पूरी दुनिया जन्मोत्सव बनाएगी। वैदिक संप्रदाय में, सनातन परंपराओं में, हिंदुओं के यहाँ उसको मनाने के कुछ अलग तरीके और बहुत सारे ऐसे मंदिर इस विश्व में मिलेंगे जहाँ कल के दिन लड्डू गोपाल की पूजा होती है, अभिषेक होता है, उसको भोग लगाया जाता है, सुलाया जाता है, दुनिया भर के काम होते हैं जो छोटे से बच्चे के साथ करते हैं, ये सब वो लड्डू गोपाल के साथ करते हैं। लेकिन हम लड्डू गोपाल नहीं हैं, हम बड़े गोपाल हैं। हम इतने बड़े हो गए हैं कि हमको आज की इस वर्तमान परिस्थितियों में किसी लड्डू गोपाल की जरूरत नहीं है, कुछ बड़े गोपाल की जरूरत है। तो यह पाप पुण्य की वो अमर कहानी जो तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान के समय से प्रासंगिक रही है और आज भी उसने अपनी कभी प्रासंगिकता और कीमत खोई नहीं। दुनिया में विज्ञान कितनी भी तरक्की कर ले, कितना भी आपके पास एंड्रॉयड आ जाए, मोबाइल आ जाए, चांद पे चले जाओ, बड़े बड़े आविष्कार कर लो यंत्रों का, लेकिन भारत के अंदर पैदा हुआ कोई भी व्यक्ति है, उस व्यक्ति के हृदय में इस भारतीय संस्कृति के कुछ ऐसे परमाणुओं का बहाव है कि वो कितनी भी भौतिक संसाधनों के बीच में रह ले, लेकिन जब रामायण के राम की, महाभारत के कृष्ण की चर्चा होती है तो वो अपने दिल से एक उछल करके उसको सुनने के लिए उद्यत हो जाता है। प्रासंगिकता ना राम ने खोई ना कृष्ण ने खोई। और अगर कृष्ण जन्माष्टमी है, उस जन्माष्टमी पर, उसकी पूर्व संध्या पर यह उपदेश, यह एक संदेश और यह कथानक जो ग्रंथों में लिखा, जितना छांट पाया, दिमाग चला पाया, साथ में आ गया, मेरे पूरे प्रवचन का आधार पूज्य मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज की वह पुस्तक जिसमें, जिसका नाम यशोदा के कन्हैया है, हमारे कमरे में, हमारी अलमारी में रखी थी। हम सोच रहे थे कि दोपहर में क्या बोलेंगे अगर बोलना पड़ा तो उस पुस्तक के आधार पर यह पूरी बात आपके सामने रख रहा हूँ। एक ऐसा व्यक्तित्व
जो जन्म से पूर्व से संघर्ष की एक कहानी लिख रहा था। आप देखिए, उनका जन्म कारागार में हुआ। घनघोर अंधेरे में उस बालक को जन्म लेना पड़ा और त्रासदी कैसी कि उसी के कारण उसके माता पिता को कारागार में जाना पड़ा। जो कल कृष्ण जन्माष्टमी है, महाराष्ट्र ने सुबह भी कहा था कि दोपहर के सत्र का उद्बोधन युवाओं के लिए है। मैं बार बार सोच रहा था कि महाराज की पर्याय बुद्धि क्यों हो रही है, महाराज क्यों सोच रहे हैं कि बूढ़ों के लिए नहीं है, युवा के लिए है। फिर मेरे को इस बात समझ में आई कि इस कर्म भूमि में, इस पंचम काल में जो पुरुषार्थ करने का सर्वाधिक समय मिलता है वो युवाओं को मिलता है। अगर किसी बालक को बहुत बड़ी चीज हाथ में धर दी जाए तो वो एक बहुत लंबे समय तक उस हाथ में प्राप्त वस्तु के कारण अपने उत्कर्ष को प्राप्त कर सकता है। वृद्ध में उत्साह की कमी है और उसी को वृद्ध कहते हैं, जो उदासीन है, जो आलसी हो गया है, जो घर में बैठ करके अतीत को याद करके और अपने जीवन को जीने का आनंद मनाता है, वृद्ध उसको कहते हैं। और जो व्यक्ति बार 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 पुरुषार्थ के लिए अपने अंतर्मन को तैयार करता है, मूक माटी महाकाव्य के रचयिता युवा को वायु शब्द से संबोधित करते हैं, बोलते हैं उसका उल्टा कर दो। जैसे वायु सतत बहती रहती है, ऐसे ही युवा सतत बहता रहता है। तो मुझे लगा कि जिसके पास जिंदगी ने अभी 50 बसंत बाकी हैं, किसी के 60 साल देखने को बाकी है, कोई 10-12 साल का बच्चा है, उसको कृष्ण की यह कहानी जरूर सीखनी और जाननी होगी कि पैदा हुए तो घनघोर अंधेरे में एक कारागार के अंदर, और संघर्ष ऐसा अद्भुत कि गर्भ में आने से पहले ही संघर्ष से लड़ने की वो तैयारी वो जीव कर चुका था। उसके कारण उसके माता पिता को, देवकी और वसुदेव को, आपको याद होगा कि कंस ने अंदर कर दिया, जेल के अंदर डाल दिया। जो खुद की बहन और खुद का जीजा था, किसके कारण? कृष्ण के कारण। उस कृष्ण की जन्माष्टमी कल है बंधुओं, उसके उस संघर्षमय जीवन से हमको सीखना है कि हमारे जीवन का संघर्ष और उसके जीवन के संघर्ष में कितनी सिमिट्री बैठती है। आप कभी देखिएगा, अपने आप को टटोलिए, ये भी देखिए कि जैसा वो कृष्ण उस समय था, आज की परिस्थितियों में कौन सा ऐसा कृष्ण खड़ा है। जब वो जन्म लेकर के धरती पर आए तो धरती शांत नहीं थी बंधुओं, यमुना उफान पर थी, बारिश बहुत तेज हो रही थी, बिजलियां कड़कड़ा रही थी, अंधेरा था, और उस अंधेरे वातावरण में कड़कड़ाती बिजलियों के बीच में उस नवजात शिशु को वहां से उठा करके भरी उफनती यमुना के बीच से निकाल करके वसुदेव ने दूसरे स्थान पर छोड़ा और शमशान घाट में छोड़ा, किसी के घर में नहीं, शमशान घाट में दूसरा किसी व्यक्ति का मरा हुआ पुत्र पड़ा था, उसको उठा करके लाए और ला करके वापस देवकी के हाथ में मृत पुत्र दिया। सोचो वो पुत्र कैसा होगा कि अभी अपनी माँ का दूध भी नहीं ले पाया और उसको अपने माँ से अलग होना पड़ा। माँ को ये पता नहीं कि मेरे पति उस पुत्र को छोड़ करके कहाँ जाएंगे। शमशान घाट में छोड़ दिया नवजात शिशु को और वहां से एक मृत पुत्र ला करके देवकी की गोद में दे दिया। थोड़ी देर बाद कंस आया, उसने देखा कि शिशु पैदा हुआ है लेकिन मरा है। उसके बाद भी कसाय ने काम करना नहीं छोड़ा बंधुओं, मरे पुत्र को उठा करके कृष्ण ने शिला पर पटक दिया। जब कृष्ण का जन्म हुआ तब हिंसा अपने चरम पर थी, और गीता में जैसी जो दो पंक्तियां लिखी हैं, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापना थाय संभवामी युगे युगे,
गीता में श्लोककार लिखते हैं संभवामी युगे युगे, हर युग में मैं पैदा होऊंगा। कौन किस लिए पैदा होगा? तो कहते हैं परित्राणाय साधु नाम, कि जो सज्जन पुरुष होंगे, जो साधु लोग होंगे, जो संत होंगे, जो दयाद्र चित्र लोग होंगे, उनके ऊपर कोई आपत्ति आ रही होगी, उसके लिए लिखा गया, उनकी आपत्तियों को दूर करने के लिए परित्राणाय साधु नाम संभवामी युगे युगे। वो कहते हैं मैं हर युग में जन्म लूंगा। आप कल्पना करना कि मान लीजिए वह नेमिनाथ भगवान के समय के कृष्ण नगराज इस रूप में आपके सामने बैठे हैं, तो क्या आप उनको पहचान लेंगे? आप जोड़िए, सिमिट्री बैठा के देखिए कि वो कैसे थे और आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज, उनके जीवन में जिस तरीके का कृष्ण ने पुरुषार्थ किया, उससे मिलते जुलते कितने पुरुषार्थ गुरुदेव आज वर्तमान में कर रहे हैं, आप देखिए। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापना थाय संभवामी युगे युगे। चार चरण की ये श्लोक आपके दिमाग में, मैं समझता हूं कि बिना बोले अर्थ बोल रहे होंगे। परित्राणाय साधु नाम, जितने भी सज्जन पुरुष हैं इस सृष्टि पर, उन सबके दुख को दूर करने के लिए आप क्या पुरुषार्थ करेंगे? जो पुरुषार्थ गुरुदेव ने किया और गुरुदेव को बनाने वाले आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने जो पुरुषार्थ किया कि ऐसा हीरा निकाल करके दिया कि जो व्यक्ति संसार में कहीं पर भी दुख भोग रहा था, किसी भी निमित्त से दुख भोग रहा था, चाहे वो हम सब बैठे हों, चाहे वो प्रतिभा स्थली की 400-500 ब्रह्मचारिणी बहने हों, चाहे वो 150-200 से ऊपर आरिकाएं हों, 1000-1500 से ऊपर वो ब्रह्मचारी हों, और इतना ही नहीं साधु नाम कि आप जैसे अवरस सम्यक दृष्टि जीव जो अपने चतुर्गुण स्थान में रह करके गुरुदेव को देख करके दिल तो गुरुदेव को दे चुके लेकिन घर से बाहर नहीं निकल सके, आपके भी स्वास्थ्य की चिंता करके उन गुरुदेव भगवंतों ने पूर्णायु आयुर्वेद जैसे चिकित्सालय के लिए इस भरी गर्मी में 400 किलोमीटर जा करके अपने चातुर्मास की स्थापना की है। बंधु, उन्हीं गुरुदेव ने दुनिया भर की निंदा सुनने के बाद भी भाग्योदय तीर्थ की स्थापना की है, परित्राणाय साधु नाम, दूसरों के दुख को दूर करने के लिए जिस साधु ने अपना जीवन झोंक दिया हो, वो कृष्ण और ऐसे गुरुदेव दोनों करीब करीब एक जैसे दिखाई देते हैं, करीब करीब एक जैसे। और जबकि मैं तो ये कहूं कि उस कृष्ण से गुरुदेव कुछ ज्यादा ऊपर दिखाई देते हैं। परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम, कि जितने भी दुष्कृत हो रहे हैं, जितना भी तांडव हो रहा था, कृष्ण ने क्या किया कि कंस का जो तांडव था उसको मिटाने के लिए कृष्ण अवतरित हुए। वो व्यक्ति धरती पर आया, लोगों की पीड़ा देखी और फिर अपने उस नगर से उठ करके और मथुरा गया, मथुरा के राजा कंस से मल्ल युद्ध किया और उसकी छाती पे चढ़ करके मुक्कों के वार करके और कंस को कहीं और पहुंचाया। ठीक इसी तरह यहां पर भी सृष्टि पर कितने कंस थे बंधुओं, जिनसे आप पीड़ित और प्रताड़ित थे, हिंसा घर घर नाच रही थी, घर के लोगों का विवेक सोया हुआ था, हर घरों के आसपास कहीं कत्लखाने खुले रहते थे, कहीं किस और हिंसा का वातावरण बना रहता था। गुरुदेव ने पीछे 30 वर्षों से जो मेहनत करी है, दो तरफा धार चलाई है अहिंसा की, यहां गौशालाओं पे गौशालाएं खोली, विनाशाय च दुष्कृताम, कि दुष्कृत मिथ्या हो लोगों का, लोगों के जीवन में थोड़ी सी लगाम लगे, तो उन्होंने गौशालाएं खोली 150-200 जिसमें आज 125,000 से ऊपर गौवंश सुरक्षित है। और दूसरी तरफ द्विधारी अहिंसा की जो तलवार चलाई कि कोर्ट में जाकर के लोगों को भेज करके
ऐसे ऐसे समीकरण और संविधान में संशोधन कराया कि गौवंश को कटने से रोका जा सके, तो अभी तक गुरुदेव के पुरुषार्थ से करीब 25 लाख से ज्यादा गांवों का संरक्षण हो चुका है। ऐसे संविधानों में इतने मतभेद थे कि थोड़ी भी गाय दुबली पतली दिखती थी और उसमें एक डॉक्टर, वेटनरी का डॉक्टर रहता था, एक साइन लगा देता था और वो स्लॉटिंग हाउस में चली जाती थी। आचार्य श्री जी ने जब ये देखा कि गाय दूध नहीं देती और दूध नहीं देने वाली गाय को लोग 2-5-7 हजार रुपए में बेच देते, कसाई खरीद लेते और खरीद करके उसको काट करके जब मांस के बेचते तो 25-30 हजार रुपए में उनका मांस बिक जाता। आचार्य सिंह ने उस निरीह और बिना दूध देने वाली गायों के संरक्षण के लिए केस लड़वाया सुप्रीम कोर्ट में और जीत करके आए इस बात को लेकर के। 7 जजों की बेंच ने यह निर्णय दिया था बंधुओं, उसमें सबसे पवित्र निर्णय तो एक मुसलमान जज ने दिया, जिसने कहा, मुसलमान होकर के जिसने कहा कि ये गाय निरी है, दुधारू नहीं है, लेकिन ये गाय भारत के अंदर कटने योग्य भी नहीं है। अगर उनकी विचार शक्ति इस तरीके का, हाँ राहुल लाहौटी, लाहौटी सर थे उस समय आपके गुना के जज थे, उनके साथ और भी जजों की बेंच थी, उन्होंने, गुरुदेव ने बता दिया कि जो किसी काम का नहीं है वो ऐसा नहीं कि दुनिया में रहने का पात्र नहीं है। बिना साय च दुष्कृताम, आप सोचिए कि कृष्ण के उस गीता में जो ये श्लोक लिखा था कि परित्राणाय साधु नाम बिना साय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापना था यह संभवामी युगे युगे। आज गुरुदेव के ऊपर इस कारिका को अगर हम फिट बैठा करके देखना चाहें तो कितना आनंद आता है, कितने बहनों के, कितने भाइयों के दिमाग में संकलेश पलता था, कितना आर्त रौत का ध्यान करते थे वो घर के अंदर रह करके, नगर नगर जा करके एक एक लोगों के ऊपर नजर डाली और कैसे धीरे धीरे निकाल करके अपनी मुस्कुराहट बिखेर करके उनको अपने पास रखा और अपनी साधना का रंग उनके शरीर पे और अंतरंग में दे करके किसी को मुनि बना दिया, किसी को आरिका बना दिया, किसी को ब्रह्मचारिणी बना दिया, और इस वृद्धावस्था में कितने सारे छुल्लक करके कितने सारे छुल्लकों की अंतिम अवस्था सुधार दी। बंधुओं, ये क्या परित्राणाय साधु नाम नहीं है? कृष्ण की एक खासियत थी बंधुओं, देखो सीखना है तो किसी से भी सीखा जा सकता है, और सिर्फ एक दिन कृष्ण की बात है, क्योंकि भारतीय संविधान की एक बहुत बड़ी बात है कि किसी भी महापुरुष को हम सिर्फ एक दिन से ज्यादा नहीं देते। कल कृष्ण जन्माष्टमी है तो सिर्फ कल ही कृष्ण के गाने गाए जाएंगे, परसों कृष्ण से कोई मतलब नहीं, और कृष्ण की गैया को कृष्ण नहीं बचा पाए इस पंचम काल में, लेकिन गुरुदेव ने खूब पुरुषार्थ किया उस कृष्ण की गाय को बचाने के लिए। अभी भी पुरुषार्थ निरंतर जारी है बंधुओं, पुरुषार्थ कभी सोया नहीं। आपने अगर कृष्णा सीरियल देखा हो तो आपने देखा होगा कि कृष्ण की एक बहुत अच्छी खासियत थी, जब देखो तब मुस्कुराते रहते थे। कभी भी देखना आप कृष्ण के रोल को, मुस्कुराएंगे फिर जवाब देंगे, और ठीक यही अदा परम पूज्य गुरुदेव की है कि उनसे दुनिया का कोई भी काम बोलो, किसी भी तरीके की आप कोई बात बोलो, कितनी भी बड़ी आपत्ति की उनके पास सूचना दो, वो किसी भी सूचना को देख करके कभी भौचक्के नहीं होते, उनको कभी आश्चर्य नहीं होता, वो पहले तो मुस्कुराते हैं और फिर आशीर्वाद देके बोलते हैं सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। और यही उस समय जमाने में कृष्ण करते थे, बोले मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। कितनी सिमिट्री बैठ रही है। कृष्ण का एक नाम गिरिधर था बंधु, आप लोगों ने सुना है? एक नाम गोविंद था। गोविंद क्यों था? क्योंकि गायों का पालन करता था तो उनका नाम गोविंद था, और आज का गोविंद इस दिगंबर रूप को धर करके हमारे बीच में बैठा हुआ है। उस समय की बात निराली, आज भी कुछ कम निरालापन नहीं बंधु। कैसा निरालापन कम नहीं महाराज, कि उस समय आप लोगों ने सुना जब बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी तो जैसे ग्रंथों में, अन्य ग्रंथों में आता है कि कृष्ण ने अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया, उस पर्वत का नाम भी गोवर्धन था,
कि वह उस पर्वत के अंदर ऊपर इतनी सारी वनस्पतियां, औषधियां और इतना बियाबान जंगल था कि आसपास के गांव की जितनी भी गायें थी उससे वो पर्वत पूरा भरा रहता था। गाय वहीं पे चरती थी। ग्वालों को चिंता हुई कि इतनी तेज बारिश हो रही है, ये बारिश बंद नहीं होगी तो गायें मर जाएंगी, गांव डूब जाएगा और तो और हमारे प्राण भी नहीं बचेंगे। सब जाकर के कृष्ण के सामने हाहाकार मचा रहे कि हमारे घर की गाय चली जाएगी, हम चले जाएंगे, हमको बचाओ, हमको बचाओ, त्राही माम, त्राही माम। जब उस जमाने पर कृष्ण के सामने किया तो कृष्ण तो कृष्ण थे, अनंत शक्ति संपन्न व्यक्ति था, बहुत दम था उनके बाजुओं में। उन्होंने पूरा पर्वत उठा लिया, हाथ पे नहीं बंधु, उंगली पे, छिंगली कहते ना इसको, पिंकी कहते हैं, इसमें उठा लिया और उठाया खुद। और लोगों से क्या बोला कि अपना अपना डंडा लगाओ, अपना अपना डंडा लगाओ, मेरी ताकत नहीं है कि मैं इतना बड़ा पर्वत उठा सकूं। तो जितने भी ग्वाले थे सबने उस पर्वत के नीचे अपनी छोटी छोटी लकड़ी की लाठी टेकी और हर आदमी को कृष्ण ने इस बात का एहसास दिलाया कि ये पूरा का पूरा पर्वत तुम्हारे पुरुषार्थ के कारण रुका हुआ है और उसके नीचे पूरे के पूरे व्यक्ति सुरक्षित, माँ बहने बच्चे सुरक्षित, जितना गौवंश ऊपर पर्वत पर था वो पूरा का पूरा गौवंश सुरक्षित। आज भी बंधुओं अगर आप आज के इस पंचम काल के इस गिरधर को देखेंगे तो आप पाएंगे कि इन्होंने अपने दम पर पूरे तीर्थों की स्थापना करी। कुंडलपुर के बड़े बाबा का इतना बड़ा मंदिर बनाने की हैसियत किसी भी गृहस्थ की नहीं है, वो तो अनंत शक्ति संपन्न परम पूज गुरुदेव की है। बीड़ा उन्होंने उठाया, चाहे वो विदिशा का ये शीतल धाम का मनोहर समोषण का मंदिर हो, हबीबगंज भोपाल का मंदिर हो, बीना बारा का मंदिर हो, रामटेक का मंदिर हो, धर्म संस्थापना थाय संभवामी युगे युगे, धर्म की स्थापना करने के लिए जिस समय उस समय उन्होंने कहा था कि मैं युग युग में अवतार लेता रहूंगा, रूप बदलता रहेगा, पुरुषार्थ हमेशा जारी रहेगा। उन्होंने क्या नहीं किया गुरुदेव ने। कुंडलपुर के बड़े बाबा का मंदिर तुम क्या सोचते तुम्हारे 1100 रुपए या 11000 रुपए देने से बन जाएगा है? किसी ने 11 लाख रुपए दे दिए तो क्या बन जाएगा? नहीं, ये तो आचार्य जी की स्वयं की ऊर्जा इतनी संपन्न थी, उनको भरोसा था इस बात का कि जिस काम को मैं आशीर्वाद दूंगा और मैं अपने हाथ में लूंगा वो पर्वत कभी भी डगमगाएगा नहीं। और वो डगमगाएगा नहीं ठीक है, लेकिन अभिमान घर न कर जाए किसी के दिमाग में। तो गुरुदेव ने आप लोगों के लिए आह्वान किया, देखो भाई मेरी ताकत तो नहीं है बड़े बाबा का मंदिर बनाने की, मेरी ताकत नहीं है शीतल धाम का मंदिर बनाने की, मेरी ताकत नहीं है हबीबगंज भोपाल बना लूं कि भागोदय तीर्थ की स्थापना कर लूं 400-400 करोड़ 500-500 करोड़ रुपए के मंदिर की, ये सब तुम्हारे मत्थे होता है। तो तुम जैसे छोटे छोटे ग्वालों ने अपना अपना डंडा टेका और तुम लोगों ने ये अभिमान पाल लिया कि समोषण का मंदिर तुम्हारे मत्थे बन रहा है, जबकि तुमको पता होना चाहिए कि दुनिया में गुरुदेव ने धर्म की स्थापना के लिए जो अपनी उंगली उठाई है ये सारे के सारे आधार स्तंभ तो उनकी अंगुली में टिके हुए हैं। बंधुओं हम होते कौन है और हम हैं क्या, हमारी साहस और हमारी शक्ति है कितनी कि हम इतने बड़े मंदिर को बनाने का अभिमान और क्रेडिट अपने हाथ में लेंगे। हम तो छोटे से ग्वाले हैं, बस इतना भरोसा रखना अपने अंतर मन के अंदर कि ग्वाले हम भले छोटे हैं लेकिन हम कृष्ण के ग्वाले हैं। और अगर आप कृष्ण के ग्वाले हैं तो निश्चित मान के चलिए कृष्ण ने उद्घोष किया, गुरुदेव ने भी इस बात का उद्घोष किया कि मेरे नक्शे कदम के पीछे पीछे चलो। आचार्य जी क्या बोलते हैं? हमारे नक्शे कदम पे चलो। गुरुदेव हमेशा हम लोगों से कहते मोक्ष मार्ग में जितनी नकल करोगे ना उतनी जल्दी ऊपर पहुंचोगे, नकल करो और पद चिन्हों की चाप मिल जाती है तो यहां वहां मार्ग मत ढूंढो, उस पद चिन्हों के ऊपर अपने पद रखो, चले आओ। तो गुरुदेव कहते हैं कि गुरु के नक्शे कदम पर चलो,
नहीं तो समस्याएं आपत्तियां तुम्हारे नक्शे कदम पर चलेंगी। बात समझ में आ रही है? या तो तुम गुरुदेव के नक्शे कदम पर चलो, नहीं तो तुम्हारे पीछे जो जीवन की समस्याएं हैं, तुम्हारे पीछे जो जीवन की आपत्तियां हैं, तुम जहां भी पैर धरोगे उस नक्शे कदम पर धीरे धीरे आपत्तियां चलेंगी। तो हमारे नक्शे कदम पर आपत्तियां चलें, इससे अच्छा है कि हम अपने गुरुदेव के नक्शे कदम पर चलें। गुरुदेव ने गिरधर नाम जैसे कृष्ण का था, इस पूरी सृष्टि पर धर्म की स्थापना करने के लिए आचार्य भगवंत का एक पुरुषार्थ अपने आप में अजूबा है। आपको घटना बताऊंगा, आपको लगता है कि आश्चर्य लगेगा, लेकिन ये बड़े बड़े जो पत्थरों के व्यवसायी राजस्थान में बैठे रहते, बंबई में बैठे रहते, सूरत में बैठे रहते, इन लोगों ने एक बार मीटिंग करी बीना बारा में, और सबने एक साथ सोचा कि एक काम करते हैं, गुरुदेव के जितने प्रोजेक्ट हैं उन सब प्रोजेक्ट को एक एक आदमी अपने अपने हिस्से में ले लेता है। बोला मैं कुंडलपुर का मंदिर बना देता हूं, तुम यहां का कर दो, तुम यहां का कर दो, तुम यहां का कर दो। पांच सात आठ लोग तैयार हो गए, गुरुदेव के पास गए, गुरुदेव से बोला आचार्य सी जी जितने भी प्रोजेक्ट हैं हर प्रोजेक्ट एक एक प्रोजेक्ट एक एक आदमी को दे दीजिए, अगले पांच सात सालों में तैयार हो जाएगा। आचार्य सी बोलते हैं हमें कोई जरूरत नहीं है तुम लोगों की, हमारे छोटे छोटे ग्वाले इतने हैं कि तुम्हारी उपस्थिति के बिना पूरा मंदिर बना दे। तुम्हारे उस छोटी सी डंडी के भरोसे बंधुओं इतने बड़े बड़े काम गुरुदेव ने कर दिए। वो ऐसे अद्वितीय कृष्ण हैं, ये कभी मत सोचना कि कोई हट जाएगा तो गुरुदेव का कोई काम रुक जाएगा, कभी नहीं रुकने वाला। कहीं पर भी कोई भी हट जाए, कोई भी अपना डंडा कभी भी हटा ले, कोई भ्रम में नहीं रहे कि इतने बड़े चीज सिस्टम को मैं संभाल के रखा हूं। अगर ये कोई भ्रम में रखा है तो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। दुनिया में कोई भी साधु कहीं भी चातुर्मास कर रहा गुरुदेव की आज्ञा से, उन सबको संभालने वाले गुरुदेव, चाहे गाय हो और चाहे गाय के बछड़े हो, और चाहे हम जैसे नादान बछड़े हो, चाहे आप जैसे बिल्कुल अबोध बछड़े हो, चाहे ये तीर्थ क्षेत्र हो, संभालने वाले एकमात्र संत हैं आज के इस युगंधर अपराजय साधक उर्जुरेता परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। कृष्ण के जीवन से कुछ और सीखो बंधुओं। देखो कल कृष्ण जन्माष्टमी है, कृष्ण का एक नाम है रणछोड़दास, सुना है कभी? हमने मंदिर देखे, बाहर लिखा था रणछोड़दास जी महाराज की जय। अरे हमने कहा ये क्या है? उन्होंने कहा भैया अंदर कृष्ण जी का मंदिर है, कल जन्माष्टमी है इसलिए आज बता रहे हैं कि उसके जीवन से कुछ सीखो। उनका एक नाम है रणछोड़दास। तो जब मैंने ग्रंथों को पलटा, पांडव पुराण देख रहा था, पांडव पुराण में देखा क्या हुआ, बोले जरासंध से एक बार युद्ध होने वाला था और उस समय कृष्ण को लगा कि इस बार इसको जीतना असंभव है, इसको जीत नहीं पाएंगे हम। तो कृष्ण क्या किए, उसको छोड़ करके और वहां से जाकर के समुद्र के बीच में जाकर के उनने द्वारिका की स्थापना कर ली। तो जैसे कृष्ण को अपनी बुद्धिमत्ता के कारण यह समझ में आया कि शत्रु इतना बलवान है कि इससे अभी नहीं भिड़ा जा सकता और अभी भिड़ना उपयुक्त भी नहीं रहेगा। अभी मान लो आपसे कहें भैया कुछ दिन की सबर रखो, तो आप क्या बोलोगे, अरे हम कम है क्या? तो वो कृष्ण का कम थे क्या कभी? जो अर्धचक्री है, जो नौवां नारायण है, जिसके अंदर इतनी ताकत है कि आगे चल के भविष्य काल का सोलहवां तीर्थंकर बनेगा, उसके अंदर क्या ताकत कम थी? नहीं, लेकिन विवेक और ऊंचा था। तो वो रणछोड़दास भी उनका एक नाम है कि जब आपके जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां बने कि आपको लगे कि इसका जवाब अभी देंगे तो तहलका मच जाएगा, जब आपके जीवन में कोई ऐसी परिस्थितियां बने बंधुओं, जब लगे कि अभी अगर कुछ कहेंगे तो घर में दो दीवारें खिंच जाएंगी, दो चौके हो जाएंगे, दो अलग अलग व्यवस्थाएं बनने लगेंगी, उस समय अगर कृष्ण के जीवन से थोड़ी सी शिक्षा लेकर के कोई भी व्यक्ति थोड़ी देर के लिए रणछोड़दास बन जाएगा तो वो कल के जन्माष्टमी को थोड़ा और सार्थक करके अपने घर को एक महाभारत होने से बचा लेगा। सीखने की बात है, सीखना चाहे तो सीखें, नहीं सीखना चाहे तो किसी ने कोई मना तो किया नहीं।
कृष्ण ने के जीवन से एक बात और भी आज का युवा वर्ग सीख सकता है, आप भी सीख सकते हैं, जो जवान है वो भी, जो जवानी आने वाली है इनकी वो भी, कि किसी को एक बार कृष्ण ने अपने मुख से मुंह बोली बहन कह दिया, खून का रिश्ता नहीं था बंधुओं, सिर्फ मुंह से कह दिया कि तू मेरी मुंह बोली बहन है। और जीवन में जब उस द्रौपदी के ऊपर विपत्ति पड़ी तो कृष्ण ने अपनी जान लगा दी। आप भी उस जन्माष्टमी के कृष्ण के जीवन से ये बात को सीख सकते हैं कि कभी अगर आपने गलती से भी किसी बहन से राखी बनवा ली हो, बचपन में अबोधपने में बनवा ली हो, या कोई आपके बाजोटे में भी एक राखी बांध गई हो, या फिर कोई आपके हाथ में जिसको शंका हो कि कभी ये मुझसे कुछ कह पाएंगे या कुछ गलत हो जाए, उसने आपको जबरदस्ती राखी बांध दी हो, तो उस कृष्ण के जीवन से ये बात सीखना कि उसने मुंह बोली बहन की रक्षा करी थी, अगर हम में भी थोड़ी मानवता बची है और कृष्ण के इस जीवन में थोड़े भी संस्कार हैं, तो गलती से भी किसी को मुंह बोली बहन कह दिया तो जीवन भर रक्षा करने का कर्तव्य बनता है आज के इस पंचम काल के युवाओं का। ये वो कृष्ण है, कैसे कृष्ण है कि कृष्ण का और बलभद्र का प्रेम देखने लायक है। बलदाऊ थे ना बलभद्र, तो बलभद्र और कृष्ण का प्रेम देखने लायक था बंधुओं। बलभद्र कृष्ण से बड़े थे, कृष्ण में खुद में बहुत प्रज्ञा थी, लेकिन कृष्ण कभी भी भाई भाई के बीच में फूट नहीं चाहते थे। बलभद्र कभी भी डांटते थे, कृष्ण चुपचाप दाऊ ठीक है दाऊ ठीक है दाऊ ठीक है दाऊ कह करके उन्होंने अपने घर की आन बान और शान और अपनी ताकत बचा के रखी। जब आपको लगे कि आपके घर का कोई बड़ा भाई आपको बहुत तेज डांट रहा है, जब आपको लगे कि ये बड़ा भाई भाई नहीं है कसाई हो गया है, तब एक बार आपका कर्तव्य बनता है कि कृष्ण के जीवन से थोड़ी सी शिक्षा लो और एक बार बोलो भाई तू जैसा कहता है ना सब ठीक है। क्यों? क्योंकि हम तो बंसी वाले के भक्त हैं, हम तो कृष्ण के भक्त हैं। कृष्ण आज हम उनकी पुराण पुरुषों में उनकी वो बात नहीं कह रहे कि तुम उनकी पूजा करो, हम ये कह रहे हैं कि उस व्यक्तित्व की तुम एक बार चिंतन करके देखो कि उस व्यक्तित्व से तुम्हारा व्यक्तित्व निखरने में कितना सहयोग प्रदान करता है। तुम देखो उस कृष्ण को कि उसने कंस का वध कर दिया, और तो और एक और बहुत खूबी की बात बंधुओं, क्योंकि खूबियां तो बहुत सारी हैं, खुद की बहन थी, क्या नाम था उसका, सुभद्रा है ना, कैसे उसने अपने भाई होने के कर्तव्य का निर्वहन किया कि जैसे ही कृष्ण को थोड़ा सा भी अंदाजा लगा कि सुभद्रा अर्जुन को या अर्जुन सुभद्रा को पसंद करता है और दोनों में पर्याप्त योग्यता थी, तो समय को बर्बाद किए बिना कृष्ण ने खुद अर्जुन से कहा, उसके लिए रथ बुलवाया, अपनी सगी बहन अर्जुन से बोला कि अर्जुन ये सुभद्रा है तुम ले जाओ। और क्यों? क्योंकि उस समय कृष्ण को अपने भाई के कर्तव्य का निर्वहन करना था। उसने परिस्थितियों को भापा, भाप करके देखा कि अगर अब विवाह नहीं होगा तो अनीति हो जाएगी। आप लोगों का भी इस कर्तव्य बनता है कि घर के अंदर 20 साल 21 साल 22 साल की जो आपकी बहन है उसको समय रहते अंतर्भाव को थोड़ा टटोलो और देखो और समझो, और अगर तुम्हें लगता है कि इसके लिए इसने खुद ही योग्य वर का चयन कर लिया है या फिर ये किसी योग्य हाथ में जा सकती है, तो पिता के कर्तव्य पूर्ण करने से पहले भाई को अपने कर्तव्य पूरे कर देने चाहिए। पिता ही सब सोचेगा ऐसा नहीं बंधुओं, भाइयों का भी कर्तव्य है, उसको भी सोचना होगा। कैसी वह कृष्ण जन्माष्टमी कल की थी, और सबसे बड़ी बात तो मुझे वो लगती, बार बार उस चीज को याद करता कि जब द्वारिका का निर्माण हो रहा था, शुरुआत में जब मथुरा में आए कृष्ण और मथुरा में आकर के कंस का वध कर रहे थे, तब मथुरा के एक भी व्यक्ति ने कृष्ण का सहयोग नहीं किया। सबको लग रहा था कि कृष्ण ने गलत जगह हाथ मारा है, ये कंस को नहीं मार पाएगा। एक भी व्यक्ति ने, मथुरा पूरी त्रस्त थी कंस से, लेकिन कृष्ण का सहयोग नहीं किया। जब मथुरा में कंस का वध हो गया, पूरी मथुरा के स्वामी कृष्ण बन गए, लेकिन उन्होंने भारतीय संस्कृति को जीवित रखा। क्या जीवित रखा?
कि राजा बनने के बाद भी राजपद खुद नहीं लेकर के कृष्ण ने अपने कंस का जो पिता था उग्रसेन, उग्रसेन को उसी राज्य का मथुरा का राजा बना दिया कि भैया जीत मैंने लिया है लेकिन मैं इसमें राज्य नहीं करूंगा। यही काम राम ने किया, लंका जीती और विभीषण को राजा बना दिया। यही काम कर्तव्य आपके भी बनते बंधुओं कि अगर आपके घर में संपदा का बहुत ज्यादा विवाद मचे, कुछ मचे, तो थोड़ा सा सहयोग करना अपने बड़े या छोटे भाई के लिए कि तेरी आवश्यकताएं थोड़ी सी ज्यादा हैं, तो इसको ले और खुश रहे। कोई कंस सताता जग को, कोई कृष्ण बचाते हैं। चार पंक्तियां मैंने पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के मुख से सुनी थी। नाम लेकर के बोलता हूं तो आपका भी आदर भाव जगेगा कि महाराज जी के मुख से थी कि कोई कंस सताता जग को, कोई कृष्ण बचाते हैं। जब जब रावण शोर मचाता, राम दौड़कर आते हैं। कोई कंस सताता जग को, कोई कृष्ण बचाते हैं। जब जब रावण शोर मचाता, राम दौड़कर आते हैं। तब तब लवकुश पैदा होते, जब जब सीता रोती है। तब तब लवकुश पैदा होते, जब जब सीता रोती है। घोर अधर्मों के पलने पर गीता पैदा होती है। ये चार पंक्तियां मैंने बड़े महर्षि के मुख से सुनी थी, सो आपके सामने रख दी कि आज भी प्रासंगिक है कि अगर घोर अधर्म घर के अंदर पल रहा हो, मोहल्ले में पल रहा हो, विचारों में पल रहा हो, नैतिकता में, व्यवहारों में, बौद्धिकता में पल रहा हो, तो अपने लिए खुद एक राम पैदा करो। अपने आप को बचाने के लिए कृष्ण पैदा करो। अपने आप को बचाने के लिए खुद उद्बोधन दो और खुद के लिए गीता लिखो। बंधुओं, पंचम काल में कृष्ण की गीता काम आए या ना आए, लेकिन तुम्हारी लिखी गीता तुम्हारे काम जरूर आएगी। लिखो उसको, देखो उस कृष्ण का संघर्षमय जीवन कि कारागार में पैदा हुआ और अंत समय कैसा गुजरा। बियाबान जंगल में जो अर्धचक्री है, तीन खंड का अधिपति है, जिसके हाथ में चक्र घूम रहा है, उसकी मृत्यु अंतिम समय में बियाबान जंगल में किसी भील के बाण से हो गई। उसके लिए किसी कवि ने लिखा कितनी अच्छी बात कि दहला देता था वीरों को जिनका एक इशारा। तीन चक्र का अधिपति है तीन खंड का, नारायण, नौवा, कृष्ण। दहला देता था वीरों को जिनका एक इशारा, जिनकी उंगली पर नचता था ये भूमंडल सारा। दहला देता था वीरों को जिनका एक इशारा, जिनकी उंगली पर नचता था ये भूमंडल सारा। कल तक थे जो धीर वीर रणधीर अमर सेनानी, मरते वक्त न पाया उनने चुल्लू भर भी पानी। जब इतने बड़े तीन खंड के अधिपति कृष्ण की यह स्थिति बन गई कि उसके लिए बलभद्र चुल्लू भर पानी लेने के लिए बियाबान जंगल में कृष्ण बोलते हैं, भाई प्यास लगी है, जिसकी द्वारिका इंद्र ने बनाई हो, वो एक घूट पानी को पाए बिना अपने अंतिम अवस्था में पहुंचना चाह रहे हैं। कैसी लीला है कृष्ण की आप देखिए, और कर्मों की कैसी कहानी है कि जिसके पुण्य की गाथाएं गाते हैं उसके भी तो पाप कर्म का उदय चलता रहता है। बंधुओं, पाप पुण्य की अमर कहानी बता रहा हूं आपको कि किसी को नहीं छोड़ता। क्या चक्रवर्ती, क्या तीर्थंकर, भगवान पार्श्वनाथ को देख लीजिए, भगवान महावीर स्वामी को देख लीजिए, उपसर्ग झेल गए तीर्थंकर होकर के, कर्म ने नहीं छोड़ा। आपको कैसे छोड़ देगा? आप क्या तीर्थंकर से या नारायण से बड़े हो गए? नहीं महाराज, हम तो बहुत छोटे हैं। साधना करिए, भूमिका बनाइए अपने लिए, अपने लिए माहौल तैयार करिए। कहीं ऐसा ना हो कि अंतिम वक्त में जो धन 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 करते करते आप चले आ रहे हैं, जब आपका निधन हो रहा हो तो उस धन की इतनी भी ताकत ना बचे कि तुम्हारे मुंह में एक गिलास पानी डालने वाला कोई ना मिले। उसके पहले अपने धन की गति निश्चित करो। बंधुओं, जब द्वारिका का निर्माण हो रहा उस समय कृष्ण ने मथुरा संकेत भेजे और बोला कि जिसको भी द्वारिका निर्माण में कृष्ण का सहयोग करना है वो सब
मथुरा से द्वारिका आ सकते हैं। कृष्ण ने खुद संदेशा भेजा। आज भी भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज ने इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट बना करके संदेशे भेजे कि जिसको सहयोग करना हो वो अपने आप इन सहयोग स्थल पर पहुंच सकते हैं। पूरी मथुरा में एक लहर दौड़ गई कि कृष्ण का सहयोग हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। और मथुरा का हर एक बालक, हर एक व्यक्ति द्वारिका जाने को उद्यत हो गया। और आज गुरुदेव ने जो इतने बड़े बड़े आयतनों के माध्यम से आपसे किसी सहयोग की अपेक्षा करी है, तो क्या तुम इतने गए बीते हो कि अपने घर की छोटी सी डंडी उनके सहयोग के लिए क्या तुम दौड़ोगे नहीं? दौड़ेंगे महाराज, हमारा तो कर्तव्य है। बुलावा गुरुदेव खुद आकर के नहीं देते बंधुओं, एक आयतन की परिधि बना देते हैं और स्वयं को अपनी प्रेरणा को जागृत करने के लिए आपको बार बार संदेश देते रहते हैं, बार बार मुनियों संघ का प्रवास देते रहते हैं कि किसी भी निमित्त से, लेकिन तुम अपने काम को करके आगे निकल जाओ। ऐसी वह जन्माष्टमी बंधुओं कल आने वाली है। बहुत सारे लोग आए, आज हमसे बोल रहे थे महाराज कल अष्टमी है, कल से हम गणंत का त्याग करना चाहते हैं। हमने उनसे एक ही बात कही, भैया गणंत का त्याग करो या नहीं करो, लेकिन आचार्य जी के भक्त हो तो मन गणंत का त्याग कर दो। क्या गणंत छूटे या ना छूटे, लेकिन ये संकल्प ले लो कि कल की अष्टमी में हम आलू प्याज, हम कांदा छोड़ पाए या ना छोड़ पाए, गणंत छोड़ पाए या ना छोड़ पाए, लेकिन आचार्य श्री और देव सात गुरु के सामने मन गणंत बातें नहीं करेंगे तो ये मन गणंत छूट जाए, गणंत तो बाद में भी छूट जाए। और कल जो अष्टमी आ रही है उसमें मैं आप लोगों से भी निवेदन करूं, संसार में जो लोग इस बात को सुन रहे हैं उनसे भी निवेदन करूं, कभी भी किसी दिगंबर गुरु के पास जाओ तो गणंत छोड़ो या ना छोड़ो, लेकिन भगवान उसके ऊपर कृपा करो, उसको मन गणंत बातों में फंसा करके उलझाओ मत, ये भी आपके उस अष्टमी को मनाने की एक सार्थकता सिद्ध हो जाएगी। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? कुछ और, अभी तो मुझे कुछ और यहां दिखाई नहीं देता कि कुछ बोलूं। एक अंतिम बात बोल करके अपनी वाणी को विराम देता हूं कि सत्यभामा जब कृष्ण के पास पहुंची, देखती थी कि सत्यभामा को लगता था कि कृष्ण मुझे बहुत चाहते हैं, तो देखती थी कि कृष्ण के धोती के अंदर एक बांस की मुरली बंधी रहती थी हमेशा। आपने भी देखा होगा, सुना है कि मुरली वाला कहते हैं ना उसको। तो सत्यभामा ने पूछा कि ये मुरली आपके पास हमेशा क्यों चिपकी रहती है? मैं तो समझती थी कि मैं इतनी खूबसूरत हूं, सुंदर हूं, अच्छी हूं, तो मुझे आपके पास इतना होना चाहिए, इससे ज्यादा तो ये मुरली आपके पास रहती है, तो ये मुरली क्या मुझको, आपको मुझसे ज्यादा प्रिय है? तो कृष्ण बहुत अच्छी बात कहते, कृष्ण कहते कि ये मुरली सत्यभामा मुझे तुमसे ज्यादा प्रिय है। बोले इस मुरली में ऐसी क्या खास बात है? बोले इस मुरली में जो है वो तुम में नहीं है। तो बोले खास बात क्या? तो कृष्ण बोलते देखो सीखने वाली बात है, सीख गए तो अच्छी बात है, नहीं सीखे तो बात तो है ही। कृष्ण कहते कि ये मुरली तुमसे इतनी ज्यादा पवित्र है। कितनी पवित्र है? इतनी पवित्र है कि बिना बुलवाए एक शब्द नहीं बोलती। क्या है मुरली, कैसी है? जब तक मैं इसमें फूकू नहीं ये एक शब्द नहीं बोलती, चुपचाप मेरे अधरों में बंधी रहती है, इसलिए मुझको प्रिय है। अच्छा, अब वो चमक गई सत्यभामा। बोले अच्छा, तो बिना बोले जो, बिना बुलवाए जो नहीं बोलता वो आपको पसंद है? बोले यही तो कह रहे थे, बुरा नहीं लगे। तो ये जब तक मैं बुलवाऊं नहीं तब तक मुरली बोलती नहीं। फिर दूसरी बात क्या है? दूसरी बात, खास बात ये है कि ये जब भी बोलती है मीठा बोलती है, मुरली की खासियत। बोले अच्छा दो हो गई, तीसरी क्या है? बोले तीसरी खास बात ये है, बुरा तो नहीं लगेगा, नहीं लगेगा तो फिर ठीक है। वो कहती तीसरी खास, कृष्ण कहते तीसरी खास बात ये है कि इस मुरली के अंदर कहीं पर भी गांठ नहीं है।
बिल्कुल, अगर मान लो बांस के अंदर थोड़ी भी गांठ मिल जाए बंधुओं, मुरली बांसुरी बनती ही उस बांस से है कि बिल्कुल अंदर से बिल्कुल चिकना होता है। और आप सोच लो कि तुम लोगों के दिमाग में और हृदय में कितनी गांठें बंधी हैं। तुम भले मुरली वालों की जय बोलो, चाहे तुम कुछ भी करो, लेकिन मुरली के अंदर गांठ नहीं है। बोले अगर इसके अंदर गांठ हो जाती तो ये मेरे अधरों में नहीं रहती, ये शिव को प्राप्त नहीं होती। फिर गांठ लगे बांस की कीमत, बसेड़े की कीमत क्या होती पता? टटिया बांधने के काम आता है। टटिया समझते हो क्या? जब आदमी मर जाता है ना, तो उसके बाद जो उसको उठाना पड़ता है, तो अगर जिस बांस के अंदर गांठ ना हो उसमें सब को लिटाया नहीं जाता। पता चला पोले बांस में किसी सब को लिटा दिया तो वो आधे रास्ता में टटिया टूट जाएगी, तो और बेइज्जती खराब। तो जिस बांस के अंदर गांठ होती है उसके ऊपर तो सब लिटाया जाता, और जिसके अंदर भी कुछ चिकनापन होता है वो कृष्ण की अधरों का अधिकारी बनती है। बंधुओं, आप अपने अपने जीवन को टटोलिएगा कि हमने गुरुदेव के पास रह करके अपने मन के अंदर की कितनी गांठें खोली, कितनी गांठों को हमने उनके सन्निध्य में रह करके चिकना किया, कितना हम गुरुदेव और देवशास गुरु के सामने मीठा बोलते, और सबसे बड़ी बात जब बुलवाएं तब बोलते कि हमेशा बोलते रहते। यही तुम में और मुरली में अंतर था। आज आपका समय बहुत ज़्यादा मैंने ले लिया और बहुत सारी बातों को देने का प्रयास किया, संडे था, लेकिन ये बात पक्की है कि आज जो आपके घर के अंदर नौजवान उम्र के लोग बड़े हो रहे हैं, उनको कृष्ण के इन कथानकों की आज बहुत ज़रूरत है। बहुत ज़रूरत है सदाचार की, बहुत ज़रूरत है द्रौपदी जी जैसी मन बोली मुँह बोली बहन को बचाने की, गिरधर बनने की, गौपालक बनने की, गोविंद बनने की। जो भी माँ बहने हैं कोशिश करें घर के अंदर एक अच्छे बच्चे को कृष्ण जैसे व्यक्तित्व में परिणत कर सकें, क्योंकि दुनिया में कल जो हुरदंगी होने वाली ना बंधुओं, जन्माष्टमी नहीं होने वाली, कल एक फूहड़ कार्यक्रम होने वाला है पूरी दुनिया में कि कृष्ण के इस गंभीर व्यक्तित्व को छोड़ करके लोगों ने कृष्ण की कैसी भूमिका बनाई। लोग क्या बोलते हैं, कल जन्माष्टमी है क्या करेंगे, रासलीला करेंगे, कल क्या करेंगे, बोले माखन चोरी करेंगे, हांडी वाला खेल खेलेंगे, कल डांडिया खेलेंगे, कल जाकर के खूब सारे लोग जो हैं दुनिया भर के पदार्थों का उपयोग करके अपने पंच इंद्री के पोषण में लगे रहेंगे, उस चीजों को करके, रास खेल करके, गरबा खेल करके, डांडिया खेल करके, या हांडी फोड़ करके, या माखन चोर कह करके, या रासलीला जैसे वाले व्यक्तित्व का प्रदर्शन करके कभी भी आप कृष्ण को अपनी श्रद्धांजलि और कृष्ण को अपनी आभार नहीं दे सकते। लेकिन जिस तरीके से कृष्ण के इस व्यक्तित्व को आज अपन ने जानने का प्रयास किया, अगर अपने घर के बालक को मॉडल में आज कृष्ण बनाया है, कल उसको रोल मॉडल बना करके आप प्रस्तुत करना चाहें, परफेक्ट एवरी रोल में था कृष्ण का व्यक्तित्व, चाहे वो अच्छा भाई बन गया, चाहे वो अच्छा नायक बन गया, चाहे वो अच्छा सारथी बन गया। कृष्ण ने युद्ध के विषय में, चूक रही थी बात, आ गई मेरे दिमाग में कि युद्ध जब होना था तो कृष्ण ने क्या कहा, क्या कहा भाई पता तो है ना, कि शस्त्र नहीं उठाऊंगा, कोई भी हिंसा नहीं करूंगा, क्या करूंगा। तो एक बात कही कृष्ण ने कि सात अक्षौणी सेना एक तरफ और निहत्ता कृष्ण एक तरफ, सात अक्षौणी सेना बंधुओं एक तरफ, निहत्ता कृष्ण एक तरफ, और उसमें भी कृष्ण हथियार नहीं उठाएगा तो क्या करेगा। बोले ताकतवर तो मेरा अर्जुन काफी है, बस क्या करना है, बोले लगाम पकड़नी है अर्जुन की। तो घोड़े की लगाम नहीं पकड़ी कृष्ण ने, कृष्ण ने अर्जुन को सारथी, अर्जुन का सारथी बनके घोड़े की लगाम हाथ में थी, मुद्दे ही तो दिमाग से उसने अर्जुन के दिमाग की लगाम पकड़ी। तो कोई आपके जीवन में भी एक ऐसा कृष्ण हो जो आपके दिमाग की लगाम को पकड़ के रखता हो। क्या तुमने ढूंढा घर के अंदर, क्या तुम लोग रामायण लिखते हो, राम को याद करते हो, महाभारत की तैयारी करते हो? अगर जिनके घर के अंदर महाभारत की तैयारी हो रही है उनसे मैं कहना चाहता हूं कि धन का बल हो, मद का मद हो,
आपके अंदर ताकत हो, मित्रों का बल हो, आपके अंदर दोस्तों का बल हो, ये सब बल अक्षौणी सेना से ज्यादा नहीं है बंधुओं। अगर आपके पास एक कृष्ण का बल मिल गया, एक सदगुरु का बल मिल गया, एक निर्ग्रंथ गुरु का बल मिल गया, जिसके अंदर हमने एक ऐसी धारणा बना ली हमारे परिवार में विवाद होगा, निर्णय तो हमारा कृष्ण करेगा, हमको कोई अवसाद होगा, निर्णय हमारा कृष्ण करेगा, अगर इस तरीके की किसी कृष्ण को आप समर्पित हो गए तो आपकी कल आने वाली जन्माष्टमी एक अलग रंग लेकर के आएगी। रास और डांडिया तो गंदे लोगों का खेल है बंधुओं, अच्छे लोगों तो हमेशा संस्कार से अपने आप को पोषित करने का प्रयास करते हैं। आप भी प्रयास करें और इस सदी के महानायक भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज, उनकी अनुकंपा, उनकी दया, परित्राणाय साधु नाम, विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनाथाय संभवामी युगे युगे, संभवामी युगे युगे, ऐसे आदिनाथ भगवान और ऐसे आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज, हम रहें या ना रहें, हमारे हमेशा गुरु बने रहें, इन्हीं भावनाओं के साथ भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवि। बोलिए परम पूज्य मंडल शिक्षक विनम्र सागर जी महाराज की, परम पूज्य मंडल शिक्षक सौम्य सागर जी महाराज की।